तारी अखिया में काला काला काजल राज भाई मैं एक और बात पूछना चाहेंगे। जिस तरह से यूपी बिहार मतलब दूसरे जगह अपना कलाकारों के बढ़ावा मिल रहा है, उस तरह हमारे झारखंड में जरा सा भी नहीं मिल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत करना चाहता हूँ। आप तो सकते हैं सवाल। करी लके बसा जैसन लच्छी को कमरिया के धनिया, करी लके बसा जैसन लच्छी को कमरिया के धनिया। अच्छा, आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो सबसे ज्यादा मिलियन में गया हो? दो हंस के बोल लो ये जान 620 मिलियन। एक बार सुनाइएगा दर्शकों। दो हंस के बोल लो ये जान दिलावा में तहारत बा। नमस्कार, जो हाल है कृष्णा राज, आप लोगों को हमारे झारखंड रिपोर्टिंग महोदय में स्वागत है। तो आज एक झारखंड का एक लोक कला मंच तैयार किया गया है, जो बालाजी सिन्हा फिर बालाजी विजन के थ्रू यहाँ पे किया गया। तो चाची झील लीची बागान में है और रखा गया था, जहाँ पे हमारे झारखंड के सुपर स्टार राज भाई यहाँ पे उपस्थित है। और देख सकते हैं कि राज भाई के काफी दूर से आए हुए, यहाँ काफी भीड़ भी है। अभी अभी हमारे साथ झारखंड के एक्टर राज भाई जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो राज भाई है वो अभी तक जितना भी सॉन्ग किया वो साफ सुथरा कभी, ये जो अभी देख रहे हैं झारखंड छोड़ दे पूरा बिहार में हमेशा डबल मीनिंग वाला सॉन्ग होता रहता है और जो काफी वायरल में रहता है। लेकिन राज भाई को बताना चाहेंगे, आज तक वैसा कोई सॉन्ग नहीं किए हुए है, अश्लीलता से हमेशा दूर दूर तक इनका पहचान है और आज जाने जाते हैं राज भाई हम लोगों के बीच, तो स्पेशल अश्लीलता मुक्त के कारण। तो राज भाई, सबसे पहले आपको हमारा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और झारखंड रिपोर्टिंग लाइव। तो राज भाई, आज यहाँ पे जो मंच तैयार किया गया हुआ था, इसके विषय में थोड़ा आप हमारे दर्शकों के बता दीजिए। यहाँ जो श्री बालाजी फोटो लेप द्वारा जो आयोजित यूट्यूबर समझिए मीटअप था, काफ़ी लोग आए जिसमें सम्मान करना हमें अच्छा लगा और कलाकार उनसे एक्टिव होने का एक तरीका लोगों को नजर आ रहा है। दर्शकों से भी मिले, कैसा कुछ लगा दर्शकों से मिलकर? काफी बढ़िया फील हुआ। राज भाई मैं एक और बात पूछना चाहेंगे, जिस तरह से यूपी बिहार मतलब दूसरे जगह अपना कलाकारों के बढ़ावा मिल रहा है, उस तरह हमारे झारखंड में जरा सा भी नहीं मिल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत करना चाहता हूँ। अच्छा सवाल। कारण यह है लोगों की जो यहाँ की सोच है, हम एक दूसरे कलाकार में जो हम लोग मजबूती बना के रखना चाहिए वो हम में खुद नहीं। तो अभी जो हमारे कलाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मजबूती आप जैसे कला रख एकजुट होके एक अच्छी चीजें बनाई जाए, सरकार को दिखाया जाए तो सरकार जरूर पास। तो सरकार सिर्फ है वो अपना पार्टी पॉलिटिक्स पर ही ध्यान देते हैं, चुनावी मुद्दा और अपना यदि मान सकते हैं कि सरकार यदि अगर चुनाव से लेके बोला जाए तो दो दिन में काम कर देगा, ठीक है, वो अपना वोट बैंकिंग के लिए, लेकिन हमारे जो कलाकार के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। कलाकारों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आवाज़ उठाना चाहिए? कलाकारों से सबसे पहले कहना चाहेंगे कि अपने आप में थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाए, मजबूत हो जाइए, सरकार को दिखाए कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग झारखंड के हैं, और जब वो नहीं मानेंगे फिर हम लोग। जिस तरह से यहाँ पे साल में खेलकूद होता, क्या इस तरह से एक मंच होना चाहिए कलाकारों के लिए? तो हमारे झारखंड में एक जरा सा भी नहीं होता है। तो क्या सिर्फ जो नेता लोग हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं, क्या उन लोग भी थोड़ा कलाकारों के प्रति जरा सा भी इच्छुक नहीं है? तो क्या करना चाहिए, कुछ उपाय? तो एक चीज कहना चाहेंगे, अभी झारखंड में अभी जैसे यहाँ हम लोग पिकनिक स्पॉट पे पहुंचे हैं, झारखंड लोक कला मंच जो है या श्री बालाजी फोटो विजन के तहत सभी यूट्यूबर भाई चाहे जो भी कलाकार है उनको यहाँ बुलाया गया। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है झारखंड में हमें नहीं लगता है कि कभी हुआ होगा क्या, क्योंकि आप तो पुराने से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब शुरुआत हुई है, अभी बहुत बाकी, ये मीटअप होते रहने से एक दूसरे के बीच दुनिया होती वो नजर आ रही है, ये हमेशा होना भी चाहिए। झारखंड सरकार क्या अभी तक कलाकारों को कोई मंच अभी तक
पहचान दे पाई है जिसमें झारखंड की एक अलग अपनी पहचान बनी हुई है। हम अभी तक जहाँ तक जानते हैं, क्या लगता है कि ये अपने अधिकार लेने के लिए इस कला के माध्यम से अपने अधिकार लेने के लिए सरकार से आप कैसे मांग कर सकते हैं? अपना अधिकार लेने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक्टिव होना चाहिए, खुद में जो है मैं सबसे पहले पावर बना लेनी चाहिए खुद में, उसके बाद हम अगले के पास जाएंगे कुछ दिखाएंगे तब लोग पास करेंगे। 100% हो सकती है, हम लोग मिल के काम करना चाहते हैं, जितने भी झारखंड के कलाकार हैं सब मिलजुल के काम करें, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। सही बात है, चूँकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री वाकई में है, सॉन्ग इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड चाहे वो जॉलीवुड हो टॉलीवुड हो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो हमारे खोरठा जगत में भी झारखंड में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि जो है जहाँ कोई चीज़ अगर खाली हो ना तो समझिए वहाँ बहुत ही ऑप्शन ही ऑप्शन होता है, जहाँ कंपिटिटर ना हो, जहाँ एकदम थोड़ा मेहनत करना पड़े वहाँ बहुत ऑप्शन है। आप झारखंड के जो कलाकार हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? दिल से काम कीजिए, मन से काम कीजिए, बस आप सफल जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं फिर अपना रास्ता छोड़ देते हैं। डिमोटिवेट केवल एक ही विजन से होते हैं, जो लोग बोलते हैं उसको सुनिए, वो सब मत सुनिए कभी अपनी बोलिए। अच्छा, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा बिना किसी सीखे, बिना किसी ताल का, बिना कोई सिखाए, वो जो है सो खुद ब खुद गॉड गिफ्टेड किसी का गला होता है, वो गला वो निकालते हैं और वो कहीं ना कहीं वायरल हो जाते हैं। वैसा अगर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वैसा कलाकार हो तो आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? जहाँ तक हो सके मैं उनको साथ दूंगा, उन्हें कोऑपरेट या फिर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जी, ऐसा कोई मंच मंच हमारे पास जो नेपाल टेलीविजन सीरीज के टीम के पास जो भी है, हाँ, उसमें हम काम देने का 100% दावा करेंगे, जो टैलेंटेड और अभी हमारी टीम में करीब 25 बंदे जुड़ चुके हैं, काफ़ी मेहनती है, सबके पास टैलेंट है, बस वैसे ही क्लास है हम लड़कों एवं लड़की। अच्छा, आपका अभी कोई अपकमिंग वीडियो सॉन्ग जो दर्शक जो है हमारे व्यूअर वो सुनना चाहेंगे? वाह, बहुत सुंदर। और आप पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसे भी लोग नए नए कलाकार भी आ रहे हैं, खास करके जो यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे सकते हैं जहाँ पे लोग आपसे हेल्प लेके जो उनमें जो कमियाँ रहती है तो वो निखार सके। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं यूट्यूब, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जैसे रील्स हो गया, आप अपना टैलेंट दिखाइए डायरेक्ट, पब्लिक पसंद करेगी तो सुनेगी। जैसे मान लिया हम न्यूज़ चैनल की बात करते हैं, हाँ, तो झारखंड में हमारे न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ रिपोर्टर खास कर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो उसमें ना के बराबर है, लोग जन समस्याओं को लोग उठा नहीं पाते हैं। आप जस्ट लाइक आप बिहार को देख लीजिए, वहाँ पे इतने यूट्यूबर्स हैं कि जन समस्या को बहुत इजी तरीके से ले आते हैं, मगर ये झारखंड के लोग इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा, आप बोलिए दहाड़िए, आप देखते हैं आप बिहार की बात करें मैंने है ना, तो उस टाइप का काम कीजिए, देखिए कैसे चैनल ग्रो नहीं करेगा। सच के साथ रहिए। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, क्योंकि ये YouTube इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत से लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ देगी, हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री ये डिजिटल इंडस्ट्री को लोगों को अपनाना चाहिए क्या? YouTube से गवर्नमेंट के नाम है भाई, YouTube देखिए गवर्नमेंट के पीछे लोग भाग रहे हैं कि हमें जॉब, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, तो जॉब से अभी बेटर प्लेटफॉर्म हमें लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाँ, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि आप कहीं भी छुपे रहिए, आप वहाँ से कला दिखाइए, आप लोग जरूर पसंद करेंगे। अच्छा, आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो सबसे ज़्यादा मिलियन में गया हो? तू हंस के बोल लूँ ये जान 620 मिलियन। एक बार सुनाइएगा दर्शकों। तू हंस के बोला लो ये जान, दिलावा में तहारत बढ़ गई, तोहरा प्यार में है पागल,
तोहरा प्यार में पागल दीवाना हो गई, तू हंस के बोलल ये जान धक जियरा धड़क गई। वाह बहुत खूबसूरत। हम तमाम झारखंड वासियों से कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर कोई हुनर हो, आपके अंदर कोई हुनर हो तो उस हुनर को निकालिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चूंकि आपकी कहीं ना कहीं आपके फैमिली में फेसबुक आईडी, यूट्यूब आईडी बना ही होगा, क्रिएट हुआ ही होगा, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह होगा ही होगा, आप उस पर जो है पार्ट टाइम निकाल के और वहाँ जो है अपना वॉइस को आप डालिए। अगर पब्लिक पसंद की तो आप मिलियन में गए और आप भी राज भाई बन सकते हैं। क्या आइए राज भाई, मेहनत और जुनून होना तो हर चीज़ पाना नामुमकिन नहीं, मुमकिन हो जाता। चलिए।